अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस्ड सिलेक्टर्स इन सीएसएस। सिलेक्टर्स जो है वो हम यूज करते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स में। सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट आता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। इसमें हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं ऑल एलिमेंट्स को एडजेसेंट सिबलिंग में, और जिसमें स्पेसिफाइड एलिमेंट्स होते हैं। और इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड एलिमेंट को इफ द इमीडिएटली फॉलोज द फर्स्ट एलिमेंट। सिंटैक्स है इट सिलेक्ट्स यूएल टैग्स व्हिच इमीडिएटली फॉलोज द हेडिंग फॉर टैग्स। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे देखें, जिसमें हेडिंग फॉर प्लस यूएल पुट किया गया, बॉर्डर फॉर पिक्सल सॉलिडेट पुट किया गया। एग्जाम्पल है जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल हेडिंग ओपनिंग टैग है, टाइटल जो है ओपनिंग टैग से यूज करना है, और एडजेसेंट टाइटल जो है क्लोजिंग टैग्स है। स्टाइल टाइप पुट की गई है टेक्स्ट ओवर सीएसएस, यूएल प्लस हेडिंग फॉर है, बॉर्डर फॉर पिक्सल सॉलिडेट पुट किया गया, स्टाइल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। अगेन हेडिंग क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग वन पुट कर रहे हैं, गीक्स फॉर गीक हेडिंग वन क्लोजिंग टैग्स है, यूएल है जिसके अंदर आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लैंग्वेज है, कंसेप्ट है और नॉलेज है, यूएल जो है क्लोजिंग टैग्स है, हेडिंग फोर है जिसमें आप कोडिंग पुट कर रहे हैं, हेडिंग फोर क्लोजिंग टैग्स है, हेडिंग टू जिसमें टाइम पुट कर रहे हैं, हेडिंग टू क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी और एचटीएमएल जो है क्लोजिंग टैग्स है, आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है यहाँ पे आप देखें गीक्स फॉर गीक, जिसमें फर्स्ट आप देखें लैंग्वेज है, कंसेप्ट और नॉलेज है, यहाँ पे लिस्ट जो है वो क्रिएट की गई है, कोडिंग और टाइम पुट किया गया। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, इसमें हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट्स। सिंटैक्स है जिसमें एचटीएमएल इनपुट टाइप है, चेक्स बॉक्स है, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड और इनपुट किया गया। एग्जाम्पल है जिसमें आप देखेंगे एचटीएमएल दो हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है, टाइटल ओपनिंग टैग है, एट्रीब्यूट पुट कर रहे हैं, टाइटल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्टाइल टाइप पुट की गई है टेक्स्ट ओवर सीएसएस, एएच रेफरेंस पुट किया गया यूआरएल की फॉर्म में, बैकग्राउंड येलो पुट किया गया, स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप एएच रेफरेंस पुट कर रहे हैं यूआरएल लिंक के साथ, इसके बाद यहाँ पे एंकर पुट किया गया क्लोजिंग टैग्स, उसके बाद बीआर जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। इस तरीके से आपने पुट करना है बॉडी एचटीएमएल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें geeksforgeek.com, यहाँ पे जो है वो येलो कलर से डिस्प्ले किया गया google.com को, wikipedia.organization। Nth of type selector, it select an element for its position and types. Syntax select a particular number tag to make changes. HTML division nth of type 5, background purple put kiya gaya. If you want to make changes in all even list, HTML jo hai wo list nth of type even background yellow. Example hai HTML document type, HTML heading hai jisme aap title put kar rahe hain nth title. Style type put kiya gaya text over CSS. UL nth of type 2 background yellow put किया गया, style और heading closing tags है, body opening tag है जिसके अंदर आप put कर रहे हैं, UL list create की गई है, java python c++ list closing tags है, UL है जिसके अंदर आप closing tags है, UL again opening tag है जिसमें list create कर रहे हैं, html cs और php जो है वो आपने list create करनी, और UL closing tags है, UL again opening tag है जिसके अंदर आप list create कर रहे हैं c r और matlab, और यहाँ पे लिस्ट जो है वो क्लोजिंग टैग्स है, यूएल बॉडी एचटीएमएल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें जावा पाइथन C++ एचटीएमएल सीएसएस और पीएचपी में जो है वो कलर यहाँ पे देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो से रिप्रेजेंट किया गया इस लिस्ट को। इसके बाद सी स्लैश है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हैश पुट किया गया, आर और मैट लैब पुट किया गया। डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर, इट सिलेक्ट एनी एलिमेंट मैचिंग द सेकेंड एलिमेंट इट दैट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ एन एलिमेंट मैचिंग द फर्स्ट एलिमेंट। The element matched by the second selector must be immediate children of the element matched by the first selector. Syntax है जिसमें HTML division put किया गया, background color जो है वो यहाँ पे darker blue put किया गया। Example HTML document type heading जो है put करना opening tag के साथ, title put किया गया child combinator, title closing tags हैं, style type put की गई है text over CSS division, span put किया गया, background color put किया गया darker color, और स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन पुट कर रहे हैं, डिवीजन के अंदर क्या है स्पैन इनसाइड द डिवीजन एंड इनसाइड स्पैन, स्पैन क्लोजिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ इनसाइड डिवीजन बट नॉट विजिबल स्पैन जो है आपने पुट करना है इसमें। स्पैन ओपनिंग टैग है, इनसाइड डिवीजन, पैराग्राफ स्पैन क्लोजिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया, डिवीजन भी क्लोजिंग टैग्स है। स्पैन ओपनिंग टैग है, नॉट इनसाइड डिवीजन, स्पैन क्लोजिंग टैग, बॉडी और एचटीएमएल क्लोजिंग टैग्स। आउटपुट है जिसमें आप इनसाइड डिवीजन एंड इनविजिबल स्पैन जो है देखें कलर जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले किया गया, इनसाइड डिवीजन बट नॉट विजिबल स्पैन, इनसाइड डिवीजन, पैराग्राफ नॉट इनसाइड डिवीजन जो है वो पुट करना है। यहां बताया गया इट इज डिफरेंट फॉर द डिसेंडेंट सिलेक्टर एज द डिसेंडेंट सिलेक्टर सिलेक्ट्स दैट द
एलिमेंट मैचिंग द सेकेंड एलिमेंट, डेट इज डिसेंडेंट ऑफ द एलिमेंट मैचिंग द फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ बताया गया डेट कैन बी चाइल्ड अ चाइल्ड ऑफ इट्स चाइल्ड एलिमेंट। जनरल सिबलिंग सिलेक्टेड, इसमें हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं ओनली द फर्स्ट एलिमेंट, फॉलो कर रहे होते हैं फर्स्ट एलिमेंट को बोथ चिल्ड्रन जिसके अंदर सेम पेरेंट एलिमेंट आते हैं, और इट इज नॉट नेसेसरी डेट द सेकेंड एलिमेंट इमीडिएटली फॉलोज द फर्स्ट एलिमेंट। सिंटैक्स है यहाँ पे जो है चेंजेस टू द स्पैन एलिमेंट कॉन्टेंट विच फॉलोज पैराग्राफ टैग एंड बोथ हैव द सेम पेरेंट टैग। HTML जिसमें पैराग्राफ स्पैन पुट किया गया, कलर रेड पुट किया गया, एग्जाम्पल HTML, HTML हेडिंग पुट किया गया, टाइटल ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, स्टाइल टाइप पुट किया गया टेक्स्ट ओवर CSS, पैराग्राफ स्पैन कलर जो है वो रेड पुट किया गया स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ कोडिंग पुट कर रहे हैं, बॉडी पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है, स्पैन ओपनिंग टैग है, फ्रंट पुट किया गया, स्पैन क्लोजिंग टैग पैराग्राफ जो है क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद आप हेडिंग वन पुट कर रहे हैं, गीक्स फॉर गीक हेडिंग वन क्लोजिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ लेंथ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स हैं, स्पैन लास्ट स्पैन टैग बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आउटपुट है जिसमें आप देखें कोडिंग इज फन, गीक्स फॉर गीक लर्न लास्ट स्पैन जो है वो टैग इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। एलिमेंट सिलेक्टर, इट सिलेक्ट दैट द टेक्स्ट एंड क्लोज इन साइड द मेंशनड एलिमेंट। सिंटैक्स HTML डिवीजन बैकग्राउंड कलर जो है ग्रीन पुट किया गया। इसके बाद पैराग्राफ है कलर येलो पुट किया गया, एग्जाम्पल HTML हेडिंग टाइटल ओपनिंग टैग है, टाइटल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना। स्टाइल टाइप ओपनिंग टैग है टेक्स्ट ओवर CSS डिवीजन बैकग्राउंड पर्पल पुट किया गया, पैराग्राफ कलर जो है वो येलो पुट किया गया, स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। और डिवीजन ओपनिंग टैग है दिस इज इन साइड डिवीजन एलिमेंट, पैराग्राफ कोडिंग इज फन गीक्स फॉर गीक लर्न लास्ट पैन टैग पैराग्राफ क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। डिवीजन एलिमेंट इज क्लोजिंग डिवीजन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग से इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें दिस इज इनसाइड द डिवीजन एलिमेंट, कोडिंग इज फन गीक्स फॉर गीक लर्न लास्ट पैन टैग जो है येलो से रिप्रेजेंट किया गया, बाकी ब्लैक और बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट करना है। आईडी सिलेक्टर, इट सिलेक्ट द चेंजेस मेक अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट ऑन द पेज एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली वंस ऑन अ पेज। सिंटैक्स HTML जो है वो स्पेशल पुट किया गया, कलर येलो आपने जो है वो इसमें पुट करना है। एग्जाम्पल HTML हेडिंग पुट किया गया और टाइटल ओपनिंग टैग है, टाइटल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्टाइल टाइप पुट किया गया टेक्स्ट ओवर CSS स्पेशल कलर ब्लू, स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी जो है ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन पुट कर रहे हैं, दिस इज इनविजिबल डिवीजन एलिमेंट्स, पैराग्राफ कोडिंग इज फन पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ दिस इज अ पैराग्राफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। पैराग्राफ आईडी पुट की गई है स्पेशल, दिस इज पैराग्राफ इज विद स्पेशल आईडी, डिवीजन एलिमेंट इज क्लोजिंग डिवीजन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट है दिस इज साइड डिवीजन एलिमेंट, कोड इज फन, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज विद स्पेशल आईडी, डिवीजन एलिमेंट इज क्लोजिंग। यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है थीम चेक कर सकते हैं येलो से रिप्रेजेंट किया गया। अब बात करते हैं क्लास सिलेक्टर, इट इज सेम एज आईडी सिलेक्टर बट इट कैन बी यूज अ नंबर ऑफ टाइम्स इन अ पेज। सिंटैक्स है HTML हाईलाइट पुट किया गया, बैकग्राउंड जो है वो येलो पुट करना है, और यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल है जिसमें HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग है, टाइटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स हैं, स्टाइल टाइप पुट की गई है टेक्स्ट ओवर CSS, हाईलाइट पुट किया गया, बैकग्राउंड कलर येलो पुट किया गया, पैराग्राफ बैकग्राउंड ब्लू, स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स हैं। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं, क्लास हाईलाइट किया गया, दिस इज इनसाइड द हाईलाइटेड पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स, पैराग्राफ दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स रिप्रेजेंट करना है। बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। आउटपुट है दिस इज इनसाइड द हाईलाइट, दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, इनसाइड हाईलाइट में येलो से रिप्रेजेंट किया गया, नॉर्मल पैराग्राफ ब्लू से शो किया गया। स्टार सिलेक्टर, द चेंजेस मेड विल बी मेड टू होल पेज HTML, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉरी लाइट ग्रे है। एग्जाम्पल है जिसमें जो है आउटपुट किया गया HTML हेडिंग ओपनिंग टैग है, टाइटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है, स्टाइल टाइप है टेक्स्ट ओवर CSS, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे पुट किया गया। इसके बाद आप जो है वो स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ को क्लास पुट कर रहे हैं, हाईलाइट की गई है, दिस इज इनसाइड द हाईलाइट पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोजिंग टैग्स हैं, बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट देखें दिस इज इनसाइड द हाईलाइट, दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ। डिसेंडेंट सिलेक्टर, इट मेक्स चेंजेस ओनली टू दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इनसाइड द अदर एलिमेंट। सिंटैक्स है जिसमें सिलेक्ट कर सकते हैं आप ऑल एंकर टैग्स वो एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनसाइड लिस्ट एलिमेंट विच आर इनसाइड UL एलिमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML जो है वो यहाँ पे देखें UL लिस्ट क्रिएट की गई एंकर टैग के साथ, रेड कलर जो है वो रेड है। HTML हेडिंग टाइटल जो है ओपनिंग टैग है, टाइटल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। स्टाइल टाइप पुट की गई है टेक्स्ट ओवर CSS, UL लिस्ट एंकर कलर जो है वो रेड पुट किया गया इसमें।
इसके बाद स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग है, बॉडी ओपनिंग टैग है जिसमें यूएल जो है ओपनिंग टैग है, लिस्ट क्रिएट की गई है दिस इज इनसाइड फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट कोडिंग इज फन लिस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट की गई है अगेन। इसमें लिस्ट जो है वो एएच रेफरेंस के साथ यूआरएल के फॉर्म में पुट की गई है, एंकर क्लोजिंग टैग्स है लिस्ट जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट की गई है, लिस्ट दी लास्ट लिस्ट लिस्ट क्लोजिंग टैग्स है बॉडी एचटीएमएल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट दिस इज इनसाइड फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट कोडिंग इज फन क्लिक हेयर टू गो गूगल द लास्ट लिस्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।